एंड अदर टेस्ट एग्जाम। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल एनसीईआरटी बुक चलाई जा रही है। जो सीटेट या कोई सा भी टेट हो, बीटेट हो, एसटेट हो, एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक चला रही हूँ, इस पर मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगी, पेडागोजी सेशन इसके बाद में लेके आऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी उनका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, तो इससे मैं जो है पहले class-3 और class-4 का EVS और मैथ कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यह है लेशन लाइन, इससे पहले का भी जो है 1 से लेकर 8 तक मैं कवर करा चुकी हूँ। यह है class-5 का EVS और यह है lesson 9, और इस लेशन का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो दिए गए हैं बच्चों के लिए मैं उसे स्किप करते जाऊंगी, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीटेट पे है, जिसे हमें जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देखते हैं पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालय से आई करीब 20 टीचर थी, जिसमें से एक मैं थी, बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था, सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन, मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर न जाना पड़े, तभी पीछे से उनकी भारी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अब, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। ये याद रखिएगा कि पहाड़ी पर जो चढ़ने का क्रम होता है, मतलब जो उस समय का ये होता है, उसे हम ट्रैकिंग कहते हैं। सर सर, ये जो बोल रही हैं सर सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए, पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? जी सर, यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए जल्दी तैयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर से उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी, किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेवारी होती है यह सब सबको बताया जा चुका है। ठीक है, जिम्मेवारी एक बड़ी जिम्मेवारी, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये सीटेट में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि एक ग्रुप के लीडर की क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ग्रुप लीडर जो बातें बताई गई थी वो क्या करना है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, ये लीडर का टोटल काम है। इसलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप में किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में ही अलग है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। ये ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियां में मैं अकेले ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की भाषा खोन दोबनी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा आती है, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, मिजोरम की भाषा, उसे क्या आती है, मिजो। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताओ जो दिया गया है इसे मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे दिया गया है जब नदी पार की, रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से जब बचाओ और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता, पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए रोज सुबह एक एक दिन गिनते, करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग जिसे चढ़ना बोलते हैं, ठीक है, के बाद हम नदी के पास थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट करने वाला है, क्योंकि जो चढ़ने वाले होते हैं, ट्रैकिंग करने वाले, उन्हें क्या किया जाता है, रोज नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ दी जाती है और गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध, ठीक है, यही, और मेडिकल चेकअप भी होता है। आगे बढ़ते हैं, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारे पर बड़े बड़े पिन ऑन यानी खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उससे स्लिंग जिसे एक तरह का हुक होता है वो डाला और उस स्लिंग को नदी पर बांधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप 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 करते हुए वे नदी पार थे, ठीक है, वे नदी के पार हो गए थे। उस तेज बहाव वाले नदी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी लोग एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बसते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने के लिए तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन में हालत को समझ गए। वे जोर से बोले, 3 cheers फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में ढके लिया। लगा पैर सुन हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरे गर्दन तक पहुंच गई। नदी के बीचों बीच ज़मीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्सी में बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक ख़ास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा हुआ काम कर पाने की थी। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कहकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने अपने बारे में दी है, और यहाँ पे पता करो और लिखो जो दिया गया इसे मैं स्किप करती हूँ। रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पे चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग को क्या बोलते हैं, चट्टानों पे चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुँचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डब्बा, पानी का बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलियाँ, साबुन और विंड चीटर यानी जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और खाने पीने की सामान पिट्टू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। इतना आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे एक ध्यान से एक बार दोहरा लीजिएगा, इसलिए कि हो सकता है कि ये बोल दे कि चढ़ाई के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमने बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग
डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि वे उस चट्टान पर दौड़ रहे हैं। मैं भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उसे रस्से से झूल, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो आवाज आई, कमर सीधी रखो आगे मत झुको। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई करते समय क्या करना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। दूसरा हो गया कि कमर सीधी रखनी चाहिए और आगे नहीं झुकना चाहिए। मैं एक बार फिर बढ़ी, चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। इसे भी आप नोट कीजिएगा। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। ठीक है, यही चीज़ दिया गया है, आगे बताओ दिया गया है, एक मज़ेदार घटना भी दिया गया है। शाम हो चली थी, खून दोन बी, ठीक है, खून दोन बी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहां से वह दो बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खून दोन बी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर था। खून दोन बी बीच बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों की हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था, अंधेरा हो गया और मुझे लगा हम गलत रास्ते पे बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए, टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए, ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने जोर जोर से सीटियाँ बजाना शुरू की और टॉर्च की रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था, जवाबी सीटियाँ बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च चलाते हुए हाथ पकड़े पसीने से तर बतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खौन दौनबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मिजो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई संगीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमें ग्रुप मिल गया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। बताओ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, करके देखो। यहाँ पे दिया गया है एक मुलाकात भी, इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें कोई भी टॉपिक छाटने लायक नहीं है, इसलिए मैं इसे कवर करा रही हूँ, क्योंकि एक एक लाइन कभी कभी कुल कोई मिल जा रहा है पॉइंट, इसलिए प्लीज़ आप बने रहें हमारे साथ। आगे पढ़ते हैं। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बिछेंद्री पाल। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बिछेंद्री पाल भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको बारा मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह बिछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली पहली भारतीय बनने का इतिहास रचेगी। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा इसमें छट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंप। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की दो तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती थी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते ही दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठा करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए
थे जिसमें गर्मी थी। मैं सोच रही थी कि क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि हम स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जागे तो बर्फ गिर रही थी, सफ़ेद सफ़ेद रुई की कतरों की तरह थी बर्फ। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे घास पहाड़ सब कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमाकर बढ़ रहे थे, बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पे थे। हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोले भी खेले। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बर्फ जो हो जाएगा तो छड़ी के सहारे हम लोग को आगे बढ़ना है। कैंप का आखिरी दिन दिया गया है कैंप फायर, यानी आग जलाने। ठीक है, कैंप फायर की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखें खुशी से आंसू टपक रहे थे। ठीक है, चर्चा करो दिया गया है यहाँ पे, शिक्षक के लिए संकेत दिया गया, जिसे हम पढ़ लेते हैं। डायरी की ये पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव हैं। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक का निर्माण समिति की सदस्य है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो चैप्टर है वो किसका लिखा हुआ है, तो संगीता अरोड़ा का। कल्पना करो लिखा गया है, खेल खेल में भी इसे दिया गया है। अब इतना मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए यहाँ पे और कितने पढ़ाने हैं, तो इसे जो है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ पे मैं छोटा कर दे रही हूँ, और इसे आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ खास चीज़ें उतनी दी नहीं होगी, जो दी होगी होगी उसे आप नोट कर लीजिएगा। शिक्षक के संकेत पढ़ लेते हैं। शिक्षक बच्चों का पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिनॉन, हंजर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा चैप्टर जो है यहीं पे होता है समाप्त। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में अपना शेयर कर दीजिएगा। मैं टोटल इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को लगे आपके आंखों के सामने ये कहानी छप जाए और आपको ये लगे कि हाँ मैंने बुक पढ़ा है। तो चलिए अब मैं यहीं पे अंत करती हूँ और मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।